ऑब्वियसली सब यहाँ पैसे के लिए आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईफोन खरीदने से पहले इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आप वापस जाना भी चाहें ना, इट इज नॉट दैट इजी। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आप में से बहुत लोगों का हम लोगों से सवाल था कि हम लोग इंडिया वापस क्यों नहीं जाते हैं, या क्या हमारा प्लान है फ्यूचर में इंडिया वापस जाने का, या हमें इंडिया अच्छा लगता है या यूएस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज उन्हीं सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी आपको इस वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी भी कंट्री को नीचा दिखाना नहीं है या किसी भी कंट्री को डिग्रेड करना नहीं है। हर कंट्री अपनी जगह सही होती है और हर कंट्री को आपस में एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, और मतलब इसी तरीके से सब डेवलप होते हैं राइट एक साथ। और ये सब जो मैं बताऊंगी आपको पॉइंट बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है किसी और का अलग एक्सपीरियंस हो, बट ये सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। देखिए, इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो मिस करती हूँ, जैसे वहाँ पे शादी होना, वहाँ पे अपने कजन्स, वहाँ पे रिलेटिव्स, वहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली, वहाँ पे मस्ती, वहाँ का खाना, वहाँ का स्ट्रीट फूड, ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती है, वो तो है, क्योंकि वो चीज़ आपको यहाँ कभी नहीं मिलेंगी। क्योंकि यहाँ जब आप रहने लगते ना, तो आप अपने लोगों से काफ़ी दूर हो जाते, काफ़ी बार आप लाइफ इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाते, तो ये सब चीज़ें आप बहुत मिस करते हो। तो अगर कभी मैं थॉट भी बना लेती हूँ ना कि चलो वापस चलते, तो एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे दोबारा सोचना पड़ता है, वो है कि वर्क कल्चर। अब क्या है ना, ये भी मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी। मैंने इंडिया में 5 साल काम किया था एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में, और मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल इन द सेंस, वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि 9 to 5 की जॉब चली, आपको कई बार 7 बजे तक काम करो, कई बार 8 बजे तक, कभी कभी मैंने रात 12 बजे तक भी काम किया वहाँ पे, एंड उसके बाद ट्रैफिक में फंसते थे, आप घर आते थे, तो ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है। लेकिन मतलब ऑपोजिट साइड में अगर आप यहाँ देखो, तो मैंने यहाँ 9 to 5 ही हमेशा जॉब करी। 5 बजे के बाद तो कभी मैंने लैपटॉप खोला ही नहीं आज तक यहाँ। दैट इज़ वेरी रेयर कि मैंने कोई रिलीज़ अटेंड करी है, उस वजह से मुझे खोलना पड़ा। तो ये, और इस वजह से ना, यहाँ के वर्क कल्चर की वजह से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम देने को मिला है, तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है यहाँ पे। और ये चीज़ मतलब इसे निकल के अगर मैं इंडिया में जाऊँ वापस और फिर से वही स्ट्रगल करूँ, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने कम्फर्ट जोन वाली लाइफ जी ली है अभी। तो मुझे पर्सनली वो वापस उस ज़िंदगी में जाना और फिर से वो स्ट्रगल करना, दैट टू जब मेरा एक किड है, जब एक फैमिली है, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। चीज़ें सैलरी, तो ऑब्वियसली सब यहाँ पैसे के लिए आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ऑब्वियसली थोड़ा परचेस पावर का डिफरेंस हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी बेटर है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो आप इस सैलरी में करने से पहले आप कुछ सोचते हैं, जैसे घर खरीदने से पहले आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा जितना आपको इंडिया में सोचना पड़ता है। आपको एक अच्छी गाड़ी लेने से पहले इतना नहीं सोचना पड़ेगा, आपको आईफोन खरीदने से पहले इतना नहीं सोचना पड़ेगा। आप जैसे ट्रिप्स प्लान करते कभी इधर कभी उधर कभी किसी स्टेट में, उससे पहले आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो सैलरी का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, तो ये सबसे मेन फैक्टर है। ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पैसा कमाने ही आता है, तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, एक चीज़ होती है, कई बार क्या होता है ना, लोग 1-2 साल बिताते हैं कंट्री में, एंड देन उनका पर्सनल डिसीजन होता है कि वो वापस चले जाते हैं। आई हैव मतलब मुझे पता है ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो 2-3 साल कंट्री में बिता के वापस चले गए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट क्या होता है ना, जब आप कुछ साल बिता लेते हैं इस कंट्री में और उसके बाद आपकी एक फैमिली बस जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, एंड देन आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, तो अगर आप वापस जाना भी चाहें ना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सोचा और चले गए, मतलब बहुत सोचना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि आपने एक कम्फर्ट जोन वाली दुनिया बसा ली। चीज़ ये ना कि यहाँ के जो प्रोसेसेस होते हैं, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब आपके पास यहाँ पे SSN होना चाहिए, आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। आपको लोन लेने के लिए आपको बैंक के ऑफिस में नहीं भटकना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर लेना है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ भी है ना जो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। और भी कई सारी चीज़ें कि यहाँ पे आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपका ट्रैवल टाइम बहुत बच जाता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 माइल का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आपको हार्डली 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम, मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि मतलब यहाँ पे रोड्स इतनी स्मूथ है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, एंड रोड्स काफ़ी वाइड रहती है, तो इस वजह से ना चीज़ें बहुत ईज में यहाँ पे होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोड्स बहुत क्लीन होती हैं। मतलब इसके पीछे ना 2 रीजंस है, पहला गवर्नमेंट और दूसरा है कि यहाँ के लोग, तो यहाँ के लोग भी म्यूचुअली कभी कुछ गंदा नहीं करते। लाइक आपको शीशा नीचे करते हुए कूड़ा फेंकते हुए कोई नहीं दिखेगा, आपको ऐसे
बॉटल्स नहीं दिखेगी बीचेस में, ये सब आपको नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डस्टबिन्स प्रोवाइड किए जो कि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं। और लोगों की भी पर्सनली आदत होती है कि अगर उनकी गाड़ी में उनको कुछ कूड़ा कचरा दिखा तो वो किसी स्टोर में उतर के, हर स्टोर के आगे डस्टबिन्स रहते तो उसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से भी क्लेनलीनेस मेंटेन होती है। चीज़ ये है ना एक्चुअली कि यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, लाइक किसके घर में क्या पक रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। हर कोई अपनी दुनिया में बस बिजी है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कि आपकी दुनिया में क्या चल। बट ये चीज़ एक तरीके से अच्छा भी, एक तरीके से बुरा भी, क्योंकि ये चीज़ मैं इंडिया में कई बार ये चीज़ इंडिया की मिस करती हूँ, क्योंकि आपके दुख सुख में लोग यहाँ काम आते हैं, ठीक है, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके मोहल्ले वाले होते हैं, वो भले ही मतलब आपको देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपके दुख सुख में हमेशा काम आएंगे, आप उनके पास बेझिझक जाके बोल सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ ना मैं वहाँ की बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आप बेझिझक जाके बोल नहीं सकते। यहाँ आपके जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, वही आपकी फैमिली बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली, अपने परिवार वालों से दूर तो हो जाते हैं, इस चीज़ का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो एक और चीज़ है ना जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना आपको बच्चों के लिए पैसा जोड़ने का इतना नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। तो आप, और एजुकेशन फ्री मतलब जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि उनकी हालत अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अच्छी एजुकेशन होती है वहाँ पे, फ्री होती है पढ़ाई लिखाई। तो आप लोगों को बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी फ़ीस के लिए अलग से अपनी सैलरी से एक पोर्शन हटा के नहीं रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत, ये चीज़ भी मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कभी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगार होते हैं, तो गवर्नमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड हुआ था तो यहाँ की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस चेक दिए थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी काफ़ी लोगों को जिन्होंने अपनी जॉब लूज़ कर दी थी उस पॉइंट पर। तो ये भी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती है कि मतलब सारी चीज़ें ना सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से प्लान है। शायद इसका रीज़न ये भी कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है और एरिया बहुत ज़्यादा है, जो भी रीज़न है, बट एक आम आदमी की ज़िंदगी यहाँ बहुत सिंपल एंड बहुत सॉर्टेड रहती है। इसका भी ना ऐसा नहीं यहाँ पे कि अमीर का बच्चा तो एक बड़े स्कूल में जाएगा और थोड़ा गरीब है मिडिल क्लास का बच्चा तो डिफरेंट स्कूल में जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्कूल्स भी एक्चुअली जोन वाइज डिवाइडेड हैं, जैसे पिन कोड के बेसिस पे आपके स्कूल डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आप इस पिन कोड में रहते हैं, आपको उसी पिन कोड के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है, आप किसी और में नहीं भेज सकते, अनलेस आप प्राइवेट एजुकेशन देना चाहें, आप पब्लिक स्कूल्स में ना भेजना चाहें। एंड यहाँ पे मोस्टली लोग पब्लिक स्कूल्स में ही भेजते हैं। तो ये भी चीज़ें जो थोड़ी अच्छी हैं एक तरीके से। और मैं आप लोगों को सच एक दिल से बात बताऊं कि हर एक इंडियन जो अपना देश छोड़ के यहाँ आता है ना, हर एक इंडियन एक पॉइंट पे ज़रूर सोचता है कि यार क्यों ना ये सब छोड़ के हम वापस अपने देश चले जाएं, क्योंकि वहाँ ना सुकून है। वो कोई भी चीज़ इंडियन मतलब आप डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को। हर कोई ये सोचता है, हर कोई ये चाहता है, हर कोई एक बार सोचता ज़रूर कि हम चले जाएं। लेकिन क्या है ना कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, 2-3 साल ही स्पेंड किए होते हैं, तब ये सब डिसीजन लेना बहुत ईजी होता है। बट जैसे जैसे आपकी फैमिलियाँ ग्रो करती है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, एंड देन आप एक घर लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपकी EMIs चल रही हैं, तो ये सब डिसीजंस लेना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। ये वन नाइट डिसीजन नहीं होता कि आपने लिया चल दिया। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, यहाँ पे ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप किस बहुत ही कम लोगों को मिली है। लाइक मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली, लेकिन अब जो आए उनमें से बहुत कम लोगों को मिली है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी क्यू है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब वीज़ाज में चल रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं, इवन हमारा भी स्टे यहाँ परमानेंट नहीं है। जब तक जॉब है, जब तक वीज़ा हम लोग हैं, कल जॉब गई, कल वीज़ा के हम भी वापस। लेकिन फिर भी हर कोई अपने तरीके से अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए ही ये सब डिसीजंस ले। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आप और किस बारे में जानकारी जानना चाहेंगे प्लीज़ हम लोगों को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक।